हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जियो फाइबर के प्लान्स के ऊपर, क्योंकि वो सस्ते हो गए थे। उस वीडियो में मैंने बताया था उसके प्लान्स के रिलेटेड बारे में और कनेक्शन कैसे ले सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में आ रहा है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि जो मैंने अप्लाई करा था जियो फाइबर के लिए वो कनेक्शन अब मेरे घर में लग चुका है। अब मैं इस वीडियो में एक एक स्टेप क्लियर करूंगा, कनेक्शन लेने से लेके रजिस्ट्रेशन कराने तक और घर में इंस्टॉलेशन तक, और जो प्लान्स हैं एक बार फिर से आपको प्लान्स के बारे में फिर से सारी चीज क्लियर करूंगा। मेरे पास जो बॉक्स है जियो फाइबर का वो आ चुका है। मैं आपको सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा कि इस बॉक्स में हमें क्या देखने को मिलता है, उसके बाद में उसको एक एक करके इंस्टॉलेशन कैसे होती है, कैसी प्रोसेस है, सब एक एक चीज करके बताऊंगा। कुछ इस तरीके का हमें बॉक्स देखने को मिलता है। इसे मैं आपके सामने अभी ओपन कर देता हूँ। थोड़ा सा ऑलरेडी मैंने ओपन करके जो इसके कंटेंट है चेक कर लिए थे, इसलिए जो इसकी सील है वो टूटी हुई है, बाकी एज इट इज ऐसी कैसे ही है। तो बॉक्स खुलते ही सबसे पहले आपको ऊपर देखने को मिलेगा आपका जो ये जियो फाइबर का जो ये राउटर है ये। अब मैं पहले इसको बाद में दिखाता हूँ, पहले अंदर क्या क्या मिलता है वो देख लेते हैं। तो अंदर सबसे पहले मिलता है आपको जितनी केबल्स है, मेरे को वही लगता है, हाँ जी, तो ये केबल्स का पूरा बंडल बना के दे रखा है। तो मैं आपको एक एक करके खोल के दिखा देता हूँ कि बंडल के अंदर क्या क्या है। ये जो केबल है, ये केबल आपके जो राउटर है इसके पीछे कनेक्ट होगी, ये वाली जो येलो वाली केबल है इसके पीछे कनेक्ट होगी, और ये सीधे जो स्विच आपको लगा के देंगे आपके घर में जियो वाले, उसके साथ ये कनेक्ट होगी। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने साथ ही लाते हैं और आपका जो ये कनेक्शन है सब करके जाएंगे, तो आपको इसमें इतनी दिक्कत नहीं होगी कनेक्शन करने में। साथ में आपको एक छोटी सी आपको जो RJ14 वाली केबल है, अगर आपने कंप्यूटर पे या फिर कनेक्ट करके चलाना चाहते हैं अपना वाईफाई स्पीड, जो 100% जो स्पीड होती है वो केबल के थ्रू ही मिलती है RJ14 से, तो अगर आप वो यूज़ करना चाहते हो तो आप ये केबल के साथ यूज़ कर सकते हैं। इस केबल की लेंथ है अराउंड 1 मीटर। और साथ में मिलती है आपको एक टेलीफोनिक केबल। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था कि ये कि इसमें आप एक डिवाइस फ्री चला सकते हो, आपकी जो आप किसी भी जो दूसरे सर्विस प्रोवाइडर है उनको कॉल कर सकते हो फ्री में जब तक आपका रिचार्ज चल रहा है। तो इन सबको मैं साइड रख देता हूँ। अब जो मेन है उसको हम खोल के देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको हटाता हूँ। और एक चीज मैं बताना चाहूँगा, जो पहले हमें मिलते थे राउटर, जो सबसे अगर आप बेसिक प्लान चूज़ करते थे तो उसमें मिलता था आपको 2.4 GHz वाला जो राउटर होता था, लेकिन जो अब आ रहे हैं, जो न्यू आ रहे हैं, वो सारे 5 GHz वाले राउटर हैं। काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। और यहाँ पे एक लाइट जलती है, यहाँ पे एक लाइट जलती है, अगर डिसकनेक्शन होगा तो फिर रेड लाइट जलेगी, वरना ग्रीन लाइट चलेगी। बात कर लेते हैं पीछे वाले पोर्ट्स की। तो जो पीछे हमें मिलते हैं वो मिलते हैं 4 RJ14 वाले पोर्ट्स, इसके थ्रू आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को कनेक्ट कर सकते हैं, 2 USB। और साथ में मिलता है अगर आपको टेलीफोन कनेक्ट करना है अपना लैंडलाइन, तो आप यहाँ से अपनी एक केबल जो मैंने आपको बताया ये केबल आप उसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, ये वाली केबल। अगर आप इसको पास में रखना चाहते हैं छोटी वाली तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो है सिंपल सा सोवर सा है, कुछ नई बात नहीं है। और जो ये येलो मैंने वायर बताई वो यहीं कनेक्ट होती है पीछे, इसको आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कनेक्शन आपको जो करके जाएगी। अब लेके चलता हूँ कि इंस्टॉलेशन जो है वो कैसे हुई और कहाँ कहाँ करके मेरे को मिली है, और बाकी सारा स्पीड से रिलेटेड आगे चल के आपसे बात करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इंस्टॉलेशन देखूँ। आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है हर बार की तरह, वो यही है कि जो मेरा सब्सक्राइबर गोल है वो है 500। बहुत ज्यादा पास है, ओनली 12 सब्सक्राइबर्स रिक्वायर्ड है, इसे जल्दी से कंप्लीट कर दीजिए और मैं आपके लिए आगे भी ऐसी कोई वीडियो लाता रहूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप जियो का जो ये फाइबर है इसको अपने घर में लगवाना चाहते हैं तो ये आप कैसे करें। तो सबसे पहले आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आप जाएंगे जियो फाइबर की वेबसाइट पे, जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाके, वहां पे एक मैप बन रहा होगा, उस पर आप क्लिक करिए, सर्च में अगर आप अपना पिन कोड डालिए एड्रेस आ जाएगा, प्रॉपर एड्रेस अगर आप डालेंगे तो वहां पे दिखा देगा कि आपके जो लोकेलिटी में जियो फाइबर अवेलेबल है या नहीं, और अगर अवेलेबल है जियो फाइबर आपके एरिया में तो आप वहां पे जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करते ही आपके फोन में एक OTP आएगा, वो OTP आप वहां वेबसाइट पे जाके एंटर करेंगे और जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो काम हो चुका है। उसके बाद आपके पास एक मैसेज आएगा कुछ दिन में, या फिर आपको क्या पता सडन भी आ जाए। मेरे को एक दिन बाद मैसेज आया था
ये लिख के कि थैंक्स फॉर चूजिंग जियो का गीगा फाइबर, उसके बाद उसमें एक नंबर दिया हुआ था, वो नंबर बोल रहे थे कि वो हम खुद कांटेक्ट करेंगे आपको इंस्टॉलेशन पर्पस वगैरह के लिए। तो सबसे पहले मैंने ही उनको कॉल कर लिया, उसमें एक ओटीपी भी साथ में आती है, वो आपको बतानी पड़ती है। मैंने उस आदमी को कॉल करा, उसके बाद जो वो है घर पे आया। सबसे पहले एक बात मैं बता देना चाहता हूँ आप सब लोगों की, जो इंस्टॉलेशन चार्जेस है उसमें लिखा हुआ था 1500 वाला और 2500 वाला, जिसमें हमें एक 4K सेटअप बॉक्स देखने को मिलेगा। आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा वाला लेना चाहते हैं। मैंने 1500 वाला चूज करा। तो पहले मुझे जो जियो के कस्टमर केयर पे मैंने जब फोन करके पूछा था, तो उन्होंने ये बताया था कि आपको जो भी चार्जेस होंगे वो आपको जो नेक्स्ट मंथ, क्योंकि जो ट्रायल वर्जन है ये खत्म होने के बाद होगा। तो ये जो चीज थी वो सबसे पहले ही जो ट्रस्ट इशू मेरे को यहीं पे आ गया था, क्योंकि जो जियो वाला जो आया था जिसने मुझसे डॉक्यूमेंट्स मांगे, मेरा आधार कार्ड की जो फोटो कॉपी लेके गया, उसने मेरे को वहीं पे एक नंबर प्रोवाइड करा जो कि लैंडलाइन नंबर होता है, जियो फाइबर का जो नंबर होता है। और उसके बाद इंस्टॉलेशन के लिए बोला कि हम कुछ दिन बाद आएंगे और मुझे एडवांस में पेमेंट करनी पड़ेगी 1500 रुपीज की। तो उसके बाद ये थोड़ा सा मेरे को ट्रस्ट इशू लगा, क्योंकि उनको स्टार्टिंग में बताना चाहिए था कि 1500 रुपीज आपको एडवांस में देने पड़ेंगे या जो 2500 रुपीज एडवांस में देने पड़ेंगे। मैंने वहाँ पे पेमेंट कर दी, पेमेंट का कोई इशू नहीं है, अगर आप उनको कैश देना चाहें तो कैश भी दे सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप कार्ड से उसको पेमेंट करें, जो आपके पास रिकॉर्ड रहेगा कि हाँ आपने जियो फाइबर को ही आपने पेमेंट करी है। कैश मैंने इतना अच्छा नहीं समझा उसको देना। तो जैसे ही मैंने उसको दिया कैश, मेरे पास मैसेज आ गया, और उसके बाद मैंने जियो फाइबर वाला जो बंदा आया था डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए और ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए, उसको मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट करी थी, आप भी कर सकते हैं कि जो ये आपका जियो फाइबर की इंस्टॉलेशन है उसे जितनी जल्दी हो सके करा सकते हैं। उसका नंबर आपके पास पहले से ही होगा, उसे 2-3 दिन था, अगर फोन करेंगे तो जितनी जल्दी हो सकता है वो करवा देगा। मैंने भी उसको थोड़ा सा रिक्वेस्ट करा अलग अलग जाके कि भाई जितनी जल्दी हो सकता है करवा दो, वरना वो बोल रहा था कि 8 से 9 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि जो डिमांड है जियो फाइबर की वो एकदम से काफी ज्यादा बढ़ गई है। क्योंकि जो प्राइसेस हैं प्लान्स के, जो मैं आगे चल के बताऊंगा, वो जो प्लान्स हैं उनके प्राइस काफी ज्यादा कम हो गए, इसलिए जो डिमांड है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। इस वजह से आप उसको स्पेशल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। रिक्वेस्ट करने के बाद भी उसने मेरा जो ये जियो फाइबर का 3 से 4 दिन भी आराम से ले लिए थे। इंस्टॉलेशन कैसे हुई थी सब बताता हूँ आपको। इंस्टॉलेशन में सबसे पहले हमारे घर पे 2 बंदे आए, आपको कॉल करेंगे, आपका एड्रेस लेंगे, इंस्टॉल करके जाएंगे। इंस्टॉल कहाँ पे और कैसे होगा वो सब मैं आगे चल के, जहाँ पे इंस्टॉल ये हुआ है मेरे घर में, वो मैं आपको जगह लेके दिखाऊंगा और एक एक पॉइंट वहाँ पे क्लियर करूंगा। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे, उसके 2 या 3 दिन बाद एक बंदा आएगा फाइबर वाले की तरफ से और वो आपका इंस्टॉलेशन सारी करके जाएगा। ये देखिए यहाँ से बालकनी के बाहर से ये फाइबर लेके आए हैं, काफ़ी पतली फाइबर है। जहाँ से भी फाइबर लेके आ रहे हैं आप मेक श्योर कि आप ये देख लें कि वहाँ पे कोई टूटने फूटने का जो फाइबर का है कोई भी दिक्कत ऐसी फ्यूचर में ना हो और आप किसी जो एडिशनल ये झंझट में ना पड़े इसको सही करवाने की। ये जो स्विच बना के दिया हुआ है, जो ये वाइट वाली जो येलो वाली केबल है ये आपके स्विच में कनेक्ट है और दूसरी तरफ एक राउटर से कनेक्ट है, इसी की वजह से जो आपकी स्पीड है उतनी ज़्यादा ड्रॉप देखने को नहीं मिलती। और जब आप नीचे की तरफ देख सकते हैं, जब ये ऑन होगा तो फिर ये ग्रीन लाइट जलेगी और अगर ऑफ होगा तो इसमें रेड लाइट जल जाती है, या फिर अगर सिग्नल लॉस होंगे तो इसमें रेड लाइट जल जाएगी। अभी ऑन है ये, बस यही तो जो इंस्टॉलेशन है, बस यही चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि जहाँ से भी ये आपकी फ़ाइबर लेके आए आप देख लेना कि वहाँ से फ़ाइबर का जो टूटने वूटने का सिस्टम है वो ना हो। बाकी स्विच यहाँ पे पतला सा स्विच भी काफ़ी ठीक ठाक सा है, कुछ दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपको कोई दिक्कत होती तो आप टोल फ्री नंबर पर देख सकते हैं। इंस्टॉलेशन काफ़ी ज़्यादा ईजी थी, इंस्टॉलेशन में आपके आराम से लग जाएंगे 1/2 घंटे में उन्होंने पूरी इंस्टॉलेशन करके चले गई थी। लेकिन मैंने तब भी ये फ़ाइबर जो आ रही है ये मैं ऊपर से पूरा देख के आया कि भाई ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है कि ये इन फ्यूचर में कोई टूट जाती है और फिर मैं इनको कॉल करते रहूं। तो स्पीड मैं आपको आगे वीडियो में चल के दिखाई दूंगा कि जो स्पीड है इस जियो फाइबर की कितनी आ रही है। फिलहाल ये ट्रायल वर्जन में है, आगे मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूंगा। तो चलते हैं वहीं पर। बात करता हूँ कि जो स्पीड है इस जियो फाइबर की, तो स्टार्टिंग में आपको इनिशियल जो ट्रायल वर्जन वाली स्पीड है वो मिलती है आपको 150 Mbps की। अब बात करते हैं इस जियो फाइबर की आपको कितनी स्पीड देता है और जितनी प्रॉमिस करता है उतनी मिलती है या नहीं मिलती। इसके जो रिजल्ट्स है वो आपको मैं अभी स्क्रीन पे शेयर करूंगा। 150 Mbps का ट्रायल वर्जन तक के लिए मिलता है, उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके प्लान्स के बारे में बात कर लेते हैं, और जो स्पीड है वो आपके स्क्रीन में मैं दिखा चुका हूँ या अभी आ रही होगी आपके स्क्रीन की, ये स्पीड कैसी दे रहा है। अपलोड और डाउनलोड दोनों बराबर मिलती है। पहले जो जियो में काफी ज्यादा शिकायत आती थी कि जो अपलोड स्पीड है वो काफी ज्यादा कम होती है, लेकिन वो दिक्कत अब नहीं है। तो बात कर लेते हैं प्लान्स की।
प्लान सबसे सस्ता प्लान मैं यही कहूंगा, रिकमेंड करूंगा, अगर आपकी छोटी फैमिली है, तीन चार फैमिली वाले मतलब तीन चार फैमिली मेंबर्स हैं आपकी फैमिली में, तो आप आराम से 400 वाला जो प्लान है उसे चूज करना। 30 Mbps की स्पीड मिलती है आपको, मोर देन इनफ है। अगर आप उस पर अपनी एंड्रॉइड टीवी भी चलाते हैं, 4K कंटेंट भी उसमें देख रहे हैं, तब भी साथ साथ में आप सारे फैमिली मेंबर्स अपना जो ब्राउजिंग अपने फोन पे कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी उसमें। एडिशनल सारे प्लान्स में जितने ये प्लान्स आपका मेंशन है, चाहे 300 400 वाला हो, उसके बाद आता है 700, उसके बाद आता है 1000, इन सब में GST इंक्लूड नहीं है। जितना भी प्लान का प्राइस आपको शो हो रहा है उसमें एडिशनल 18% की GST लगेगी। जैसे कि 400 का मैंने प्लान अगर मैं चूज करता हूँ तो उसमें एडिशनल 18% GST ऐड कर देते हैं, तो प्लान पड़ता है 470 का, जो अभी भी काफी अच्छा प्लान है। 500 रुपीस के कम में आपको 30 Mbps के अनलिमिटेड मिलता है, ऐसा जियो कहता है। लेकिन एक चीज और क्लियर कर दूं, अनलिमिटेड अगर जियो कह रही है तो तब भी आपको 3300 GB का जो FUP है इतनी ही मिलती है। अगर आप इसको डिवाइड कर लेंगे, अगर एक दिन में मतलब 110 GB आप यूज शायद ही कोई कर पाएगा, लेकिन आप कभी कभार अगर गेम्स डाउनलोड करना चाहते हैं, कोई 4K मूवी डाउनलोड करना चाहते हैं, तो शायद कुछ कुछ लोगों के लिए जो ज्यादा डाटा कंज्यूम करते हैं उनके लिए तब भी FUP 3300 है। कोई सा भी प्लान ले लीजिए, जो मिनिमम आपका बेसिक है वो 3300 GB की आपको मिलेगा डाउनलोड के लिए। मेरे लिए तो मोर देन इनफ है। आप बोलते हैं कि अनलिमिटेड है, लेकिन तब भी एक FUP दे रही है, वो आपकी जब ये ऐप से लिंक करेंगे अपना अकाउंट तो वहां पे मेंशन हो जाता है, वहां पे आपको शो हो जाएगा, लेकिन तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इससे ऊपर वाला जो प्लान आता है वो आता है 699 का, उसमें एडिशनल मतलब 700 हो गया, एडिशनल 18% अगर ऐड करते तो 824 मिल जाता है आपको, 824 में प्राइस। ये थोड़ी बड़ी फैमिली के लिए मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आपकी फैमिली 7 या 7 से 8, अगर आपकी ज्वाइंट फैमिली 7 से 8 मेंबर हैं, तो 100 Mbps वाला प्लान अगर आप यूज करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसमें जो स्पीड मिलती है वो मिलती है आपको 100 Mbps की, काफी ज्यादा अच्छी स्पीड है। स्पीड में क्योंकि फाइबर है, तो फाइबर में आपको पता है कि स्पीड ड्रॉप का कोई मतलब दिमाग खराब आपका नहीं होगा। जो मेन दिक्कत आएगी वो यही आएगी, जिस दिन आपकी फाइबर टूट जाएगी उसी दिन आपको कोई दिक्कत आएगी। उसके लिए भी इस पर टोल फ्री नंबर लिखा हुआ है बॉक्स पे, ये सबसे आपको अगर आपको दिख रहा होगा टोल फ्री नंबर यहाँ पे, वरना मैं मेंशन कर दूंगा स्क्रीन में, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो फिर ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, और आपको जो ये सर्विस जैसे आपकी सर्विस आती है वो इश्यू रिजॉल्व हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। स्पीड में फाइबर है, कोई दिक्कत नहीं होगी, जितनी प्रॉमिस करते हैं उतनी मिलती है। अभी अपलोड की जो दिक्कत होती थी वो भी अब सॉल्व हो गई है। प्लान से रिलेटेड मैंने सारी बात कर ली है, इंस्टॉलेशन की मैं जितनी बता सकता हूँ सब कर ली है, अनबॉक्सिंग मैंने आपको करके दिखा दी है। यहीं पे करते हैं अपनी वीडियो खत्म, अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट में कर देना, लेकिन तब भी अगर कुछ भी अगर आपको दिक्कत आती है आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, सुमित नेगी _tech मेरा इंस्टाग्राम की आईडी है, वहां मुझे फॉलो कर लीजिए, इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाएगा। ऐसी आगे वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो करते रहिए, मेरे जो चैनल है इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइबर गोल कंप्लीट करवा दीजिए, और ऐसी कोई वीडियो इन्फॉर्मेटिव आपके लिए मैं लाता रहूंगा। टिल देन थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।